अच्छा एक बात बताइए, किसको किसको मेरे नाम में भी डाउट है? मेरा नाम नीर है, नॉट नील। आज मेरे टीम को एक मैसेज मिला कि हाँ नील सर से बात करनी है। माई नेम इज नील, NEER। बहुत ही छोटा, बहुत ही मीनिंगफुल, मेरे बगैर काम चल ही नहीं सकता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको गुड न्यूज देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि फाइनली भाई बेसब्री से इंतजार का समय पूरा हो चुका है। स्पॉट राउंड की बातें हो रही हैं पिछले कई वीडियोस में, और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कि स्पॉट राउंड फाइनली कैसे एग्जीक्यूट होगा और कौन कौन सी सीटें हैं डिपार्टमेंट वाइज, वो भी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और इस वीडियो को शेयर कर दो। अच्छी बात यह है कि अभी काउंसलिंग वाला पे आप लोग अपनी पूरी भी हेल्प ले सकते हो। इवन स्पॉट राउंड आया है तो आप लोग अगर फॉर्म भरवाना चाहते हो घर बैठे स्पॉट राउंड का, तो ये भी आप लोग काउंसलिंग वाला के थ्रू फिलअप करवा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अभी आप चेक करो, लिखा होगा काउंसलिंग वाला। उस पर आपको कॉल नहीं करना है, बेसिकली आप उस पर व्हाट्सएप करो, आपको कॉल बैक जाएगा, ठीक है। और हॉस्टल वाला भी है, जिनको हॉस्टल नहीं मिल रहा है वो लोग हॉस्टल वाला ज्वाइन कर लें, उसमें प्रोसीजर ऑलरेडी गिवन है। अब चलो हम लोग आते हैं कि क्या बोला जा रहा है। स्पॉट राउंड, जिसको हम लोग मॉपअप राउंड भी बोलते हैं, ध्यान देना एक ही चीज है। BHU PG एडमिशन 2024, इसका रूल्स क्या कहता है? रूल्स ये कहता है कि ये मनी नॉट रिफंडेबल है, यानी इसमें आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो पेमेंट वापस नहीं होगा। किसका? पेमेंट का। ₹500 इसीलिए इसकी फीस रखी गई है। कैंडिडेट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड विल हैव टू पे नॉन रिफंडेबल 500 पर प्रोग्राम, यानी आप जैसे जैसे प्रोग्राम ऐड करोगे आपका पेमेंट डबल होता जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर स्पॉट राउंड BHU, यहाँ पे ध्यान देना कि उन्होंने ऑलरेडी डिस्प्लेड द लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स विद अवेलेबल सीट्स। कैंडिडेट कैन चूज प्रोग्राम वेयर वैकेंसी एग्जिस्ट एंड पुट देम इन द प्रिफरेंस ऑर्डर ड्यूरिंग द एप्लीकेंट्स प्रोसेस। मतलब ध्यान देना कि इसमें जो भी मेन पॉइंट्स है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि सी एलिजिबिलिटी, क्योंकि यहीं पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, ठीक है। ये प्रेफरेंस वगैरह की बात हो रही थी, इसमें आप लोग उसको भर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबिलिटी में क्या बोल रहे हैं कि वो लोग भर पाएंगे जिनको सीट अभी तक नहीं मिली, यानी न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें पॉसिबल है। कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर BHU PG काउंसलिंग सो फॉर, वो इसमें आ सकते हैं। कैंडिडेट्स हु रजिस्टर्ड फॉर द BHU PG काउंसलिंग बट क्या है, वर नॉट ऑफर्ड इन सीट ड्यूरिंग द रेगुलर राउंड अलॉटमेंट, ठीक है। यानी कि उनको कोई भी अभी तक रेगुलर राउंड नहीं मिला है, कि कोई भी पेड सीट नहीं मिला है, तो वो भी इसमें आ सकते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि कुड नॉट डिपॉजिट द फी, यानी आप किसी कारण से पेमेंट नहीं दे पाए तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। बहुत लोग का ये वाला प्रॉब्लम है, ध्यान देना। यहाँ पे फी बोला जा रहा है, फी आपने दिया है बट एडमिशन कैंसल, यानी आपने एडमिशन को विड्रॉल कर लिया है, तो भी आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर पाओगे। कौन नहीं कर पाएगा? तो यहाँ पे बोला जा रहा है नॉट एलिजिबल स्पॉट राउंड में क्या है, कैंडिडेट हु आर होल्डिंग द सीट फॉर और हैव ऑलरेडी फ्रीज देयर सीट इन द रेगुलर राउंड, यानी आपने सीट को या तो होल्ड रखी है यानी एडमिशन हो चुका है, या फिर आपने अभी भी फ्रीज करके रखा हुआ है, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो। There will be no spot round in courses having practical components, ठीक है, such as यहाँ पे दिया हुआ है MFA, MPA, BPA, GDPI वगैरह वालों के लिए मॉपअप राउंड नहीं है, ठीक है। प्रोसेस में लिखा हुआ है क्या प्रोसेस है, आप लोग इसको पूरा पढ़ना अच्छे से, यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है। अब हम लोग आ जाते हैं जो इसकी सीट मैट्रिक्स है। अब इस सीट मैट्रिक्स का जो PDF है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप हॉस्टल वाला ज्वाइन कर लो या काउंसलिंग वाला ज्वाइन कर लो, कहीं भी जाओ, मैं अपने पूरे सोशल मीडिया पे इसकी PDF दे दूंगा, क्योंकि बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे लॉ में बताया जा रहा है कि ऑन रिजर्व 10 सीटें SC5 ST2 EWS3, ठीक है। और उसी तरीके से हम लोग यहां पे देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ लॉ में ये पेड सीट है, ये रेगुलर सीट में कितना है, 3737977, यानी 26, ठीक है, 26 EMP में है। भाई बहुत सीटें खाली हैं, भाई बहुत सीटें खाली हैं, 10 3 7 5 सब ऐड करो, बहुत सीटें खाली हैं। उसी तरीके से हम लोग बायोस्टैट्स में है, ये सब आचार्य वाले कोर्सेज हम लोग ऊपर चलते हैं, ये सब काम की नहीं है, ठीक है, आचार्य वाले कोर्स से हमारे काम की नहीं है। यहाँ पे देखो एग्रीकल्चर की इतनी सीटें खाली हैं, इधर देखो 1 1 1 1 1, ठीक है, और भी देख लेते हैं, आप लोग देख लेना, ठीक है। एजुकेशन वगैरह की सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है। नेपाली हिंदी में देखते हैं, एमए हिंदी में कितनी सीटें खाली है, 10 सीट खाली है, 4 2 3 7 1 18 20 19 4 14, ओ भाई बहुत सीट खाली है, बहुत सीट खाली है, कुछ में तो बहुत सीटें खाली है, ठीक है। नंबर देखो यहाँ पे, कुछ में तो बहुत सीट खाली है, 11
चलो ठीक है, आप लोग काउंट करो बकायदा, मैं इसको भेज देता हूँ, आप इसका पीडीएफ पूरा अच्छे से पढ़ो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम होता है तो काउंसलिंग वाला पे कॉन्टेक्ट करना, आप अपना घर बैठे फॉर्म भराना चाहते हो तो भी काउंसलिंग वाला पे कॉन्टेक्ट करना, आपकी पूरी मदद की जाएगी। तो मुस्कुराते रहिए, बहुत सी शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट। जिनका एडमिशन हो जाएगा मिठाई खिलाना बिल्कुल नहीं भूलना है, रसोगुल्ला, ठीक है? हर हर महादेव।